पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने लगाए मंत्रियों पर गंभीर आरोप, जयपुर की प्रमुख खबर। मंत्रिमंडल से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा से बाहर निकाले जाने पर पत्रकारों के सामने सरकार के मंत्री एवं कांग्रेसी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुने राजेंद्र गुढ़ा की जुबानी, क्या कहा उन्होंने पत्रकारों से। अजमेर 92 की बात कर रहे हैं? अजमेर 92 की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या रोल था सीएम साहब का? सारे कांग्रेस के नेताओं का, मंत्रियों का, इनका नार को टेस्ट कराओ, ये सारे के सारे बलात्कारी हैं, सारे के सारे, इनका नार को टेस्ट कराओ। ये एक एक आदमी धारीवाल का करा लो, कहीं महेश जोशी का, तो यदि सचिन तेंदुलकर है, कोई महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, उन्होंने सारे रिकॉर्ड बना दिए। महिलाओं के दुष्कर्म में यदि कोई डिग्री मिलती तो इनके सबके पास पीएचडी की डिग्री होती है। महिलाओं के साथ इन्वॉल्व थे क्या ये सारे नेता कांग्रेस के? वो इनके ऊपर फिल्में बन रही हैं, एक दूसरे का मिला हुआ खेल है। धारीवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए, महेश जोशी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, और राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। कितनी महिलाओं से इनके अवैध संबंध है वो नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा। और ये सारा का सारा अजमेर 92 में किस किस की भूमिका है? इसके अंदर कांग्रेस के नेताओं की भूमिका है, उसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी का भी रोल है। मुहर्रम को लेकर सीएलजी की बैठक हुई आयोजित, शांति और भाईचारे का दिया संदेश, बसेड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा के नवीन पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक का आयोजन एसडीएम कुणाल राहन की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सरमथरा सीओ मुनेश कुमार भी मौजूद रहे। बैठक में मुहर्रम को लेकर चर्चा हुई, जिसमें एसडीएम ने कहा कि सभी लोग अपने अपने धर्मों के त्योहारों को भाईचारे व प्रेम के साथ मनाएं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की अशांति फैलाता है तो इसकी सूचना प्रशासन व पुलिस को दें, जिससे समय रहते त्वरित कार्रवाई की जा सके। सरमथरा सीओ ने मुहर्रम ताजिए को लेकर नूरानी जामा मस्जिद अध्यक्ष असलम पठान से जानकारी ली। इस दौरान बैठक में मौजूद सदस्यों ने कहा कि कस्बे में सभी त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। इस दौरान बैठक में सीएलजी सदस्यों ने कस्बे में गश्त व्यवस्था नहीं होने की समस्या से अवगत कराया, साथ ही कस्बे में पुलिस चौकी खोले जाने की मांग की। इस दौरान बैठक में राजपूत समाज अध्यक्ष लल्लू सिंह परमार, अग्रवाल समाज अध्यक्ष अशोक गर्ग, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मायाराम शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, मुन्ना खान, कल्लू खान, नसीर खान, शकील खान, हैदर खान, रमेश गोस्वामी, नरेंद्र सिंह परमार, गुड्डा सिंह परमार, ब्रजेंद्र ओसवाल सहित कई सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। कोरोना से पहले हमारे अखाड़े अलाउड थे, वो थे, लेकिन अब सरकार ने वो व्यवस्थाएं जारी रखी है जो कोरोना। लाल किताब में छुपे हैं गहलोत सरकार के कुशासन के राज, बाल गोविंद मावई। गहलोत सरकार के मंत्रियों के बयानों से ही प्रमाणित हो रही है कांग्रेस सरकार की विफलता, श्रवण वर्मा। बसेड़ी की प्रमुख खबर। बसेड़ी विधानसभा की नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसमें जयपुर में सचिवालय महाघेराव की कार्य योजना तैयार की गई। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा प्रभारी बाल गोविंद मावई और विधानसभा संयोजक ओमकार कटारा का जगह जगह स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम आम जन में जन जागरण का काम कर रहा है। कांग्रेस सरकार के मुखिया गहलोत के मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बयानों से ही सरकार के भ्रष्टाचार के कारनामे उजागर हो रहे हैं। विधानसभा प्रभारी बाल गोविंद मावई ने कहा कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए गहलोत की भ्रष्टाचार की दुकान से लाल किताब का जिन निकला है। भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता की आवाज बुलंद करने के लिए जयपुर में सचिवालय का महाघेराव होगा, जिसमें हम सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जयपुर कूच करना होगा। कार्यक्रम में विधानसभा संयोजक ओमकार कटारा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका प्रत्येक देशभक्त कार्यकर्ता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित है। कार्यक्रम को सुखराम कोहली, राजवीर सिंह राजावत, कमल पहाड़िया, ब्रजराज सिंह एवं अन्य ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में
प्रेम नारायण सोनी, दशरथ सिंह, मोहन प्रकाश शर्मा, लोकेंद्र सिंह, रणवीर सिंह गुर्जर, विस्तारक गजेंद्र सिंह चौधरी, रामू शर्मा, पप्पू तिमासिया, सुरेश शर्मा, संजय पाराशर, भोला सिंह, भानु प्रताप सिंह, जगदीश सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन मनोज पहाड़िया ने किया। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। सामाजिक पारिवारिक परंपरा दूसरी साथियों में यही से हूँ, आपका ही हूँ, आप मेरे हैं। मुझे पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व ने जो मुझे दायित्व सौंपा है, मैं आपके बीच बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, मेरे लिए, मेरा कोई भाई यहाँ पे जो भी उपस्थित है और जो नहीं है उनके लिए भी, कि मेरी तरह होती है, जब मैं बिल्कुल युवा था आज तो मैं बुढ़ापे को जा रहा हूँ, 55 साल उम्र हो गई है, नहीं आपसे तो मैं 2 साल बड़ा हूँ। तो मेरा कहने का अर्थ है, आप मेरे सभी सम्मानित कार्यकर्ता, पदाधिकारी बंधुओं, मात्र शक्ति के रूप में की बहने और सभी युवा साथियों, साथियों हमारे जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके लिए हम लोग कार्यकर्ता जब ये बात सोचते हैं तो हमारा माथा गर्व से ऊंचा होता है। जिस पार्टी के एक आम कार्यकर्ता से लेकर के राजेंद्र सिंह गुढ़ा के सम्मान में धौलपुर का राजपूत समाज मैदान में। धौलपुर की प्रमुख खबर, आज जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को राजपूत महासभा और करणी सेना ने मिलकर ज्ञापन सौंपा। राजपूत समाज का कहना है कि राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कुछ गलत नहीं किया है, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने जो कुछ भी महिलाओं के सम्मान में कहा वह सत्य है, सत्य बोलने की उन्हें जो सजा दी गई है उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है और वो विधानसभा स्पीकर को सत्यता से अवगत कराना चाहते थे, लाल डायरी के बारे में अपनी बात रख रहे थे कि अचानक विधायक मंत्री सभी ने मिलकर राजेंद्र सिंह गुढ़ा पर हमला कर दिया, उनको बेइज्जत कर विधानसभा से निकाल दिया। इस घटना का राजपूत समाज विरोध करता है। राजपूत समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, क्या कारण है कि आपको आज यहाँ इकट्ठा होना पड़ा? अरे कोई जा रहे, ये सबसे बड़ी समस्या राजस्थान के अंदर वो है अशोक गहलोत जी, जो उन्होंने कल उनके चमचों ने कल जो हमारे समाज के नेता राजेंद्र सिंह गुढ़ा जी पर जो मारपीट की गई विधानसभा में और उनको अपमानित करके विधानसभा से बाहर निकाला गया, ये इसका पूरा समाज हमारा, पूरा राजस्थान समाज हमारा, पूरा भारतवर्ष समाज हमारा इसका विरोध करता है। और गहलोत जी, आप बहुत गलत फैमिली में हो, आपकी सरकार बचाने के लिए हमारे ही समाज के लोग थे जिन्होंने आपकी सरकार बचाई थी, मगर आज आप राजपूत समाज को भूल रहे हो तो आप ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। कल विधानसभा में जो हमारे राजेंद्र गुढ़ा जी के साथ बर्बरता हुई है, मारपीट की है, ये हमारे राजपूत समाज के लिए बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अशोभनीय है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और पूरा राजपूत समाज उनके साथ खड़ा है। और अगर गहलोत सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी, हमारी समाज की मांग नहीं मानी, वो हम पूरे विधानसभा में आंदोलन करेंगे, आने वाले चुनाव में इनके हम वोट की चोट से इनको जवाब देंगे, अगर नहीं मानते हैं तो आगे चल के लोकसभा में भी हम इनका भरपूर जो विरोध करेंगे। जो राजस्थान में उन्होंने भ्रष्टाचार से संबंधित एक लाइल डायरी माननीय विधानसभा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत की, अब प्रस्तुत करने के बाद कांग्रेस के नेताओं को ये लगा कि हमारा काला चिट्ठा खुल जाएगा, सरकार बैकफुट पे आ जाएगी। इसके बाद शांति धारीवाल जी, रफीक खान जी और बाकी अन्य विधायकों ने, मार्शल ने उनके साथ हाथापाई की विधायक महोदय के साथ, और जो लाल डायरी थी जिसमें सरकार का काला चिट्ठा था उस डायरी को छुड़ा लिया है और उनके साथ हाथापाई की है। इससे पूरे राजस्थान का, देश का राजपूत समाज आहत हुआ है। सम्मान सहित जो मंत्री पद से बर्खास्त किया है वो पद वापस दिया जाए और उनको शांतिलाल धारीलाल जी को कार्रवाई की जाए उनके ऊपर, बस यही राजपूत समाज मांग उठाना है। कल विधानसभा में जो कृत्य हुआ है, हमारे समाज के जो गौरव हैं और जिन्होंने सरकार बचाई और उनके साथ में कल जिस प्रकार से उनको खदेड़ा गया, पीटा गया, उनको कल मारा गया, उनके हाथ से लाल डायरी खोली निकाली गई, मैं तो एक यही कहना चाहता हूँ कि उस लाल डायरी का जो राज है उसको बताएं, वो जो बताने चाह रहे थे उसको उन्होंने क्यों नहीं उनको सुनने दिया और वो
अपने विधानसभा अध्यक्ष जी के पास हम निवेदन करने गए थे कि भाई मैं उनको भी सुनो भाई मैं इन्होंने मंत्री हटा दिया कह देते तो मैं मंत्री पद से बैठ जाता क्या दिक्कत थी हटा ही दिया था तो मेरी सीट तो मुझे चाहिए भाई कौन सी सीट पे बैठूं मैं वो तो अपनी सीट के लिए पूछने गए थे। क्षेत्र का विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता भाजपा नेता दुष्यंत एवं मालविका राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे भाजपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय अशोक शर्मा के पुत्र युवा नेता दुष्यंत शर्मा एवं पुत्री युवा नेत्री मालविका मुदगल ने सोमवार और मंगलवार के दिन देवखेड़ा ग्राम पंचायत के गांव जौनावाद देवखेड़ा हरिबल्लभपुरा बाबरपुर गढ़ी जौनावाद आदि गाँव में जनसंपर्क कर लोगों की समस्याओं को जाना तथा अधिकारियों से वार्ता कर समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। इस दौरान भाजपा युवा नेता दुष्यंत अशोक शर्मा ने बताया कि जनसंपर्क करने का उनका मुख्य उद्देश्य जनता के बीच रहकर उनकी बुनियादी समस्याओं को जानना है। इस दौरान मालविका मुदगल ने बताया कि वर्तमान राजाखेड़ा कांग्रेस की भाई से भाई को लड़वाने की नीति थाने की राजनीति एवं प्रशासनिक दबाव डलवा कर उसे मजबूर करने जैसी ओछी हरकतों को क्षेत्र की जनता अब जान चुकी है। आप सभी देवखेड़ा ग्रामवासियों द्वारा हमारा जो स्वागत सम्मान किया तथा उसके लिए हम बहुत आभार हैं। साथ में पूर्व सरपंच गोपालपुरा प्रताप सिंह रिटायर्ड अध्यापक गिरिराज सिंह सरपंच प्रतिनिधि मिश्रीलाल सैंथिया पूर्व सरपंच बाबरपुर राम भरोसी मुन्नालाल शर्मा सुंदर बघेल डॉक्टर राजेश मछरिया बल्लू सिंह रविंद्र सिंह डेढ़ पंचायत सदस्य सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी नमस्कार, मेरा नाम मालविका मुदगल है। मैं स्वर्गीय श्री अशोक शर्मा जी की बेटी हूँ। मैं श्री बनवारी लाल जी की नातनी हूँ जगन धौलपुर से। राजाखेड़ा में हम लोगों ने एक पदयात्रा का कार्यक्रम किया है। हम घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं और कल और आज मतलब 24 और 25 तारीख को हम लोग देवखेड़ा पंचायत आए हैं। तो कल हमने 3 गाँव ख़त्म करे थे, आज हम आए हैं बाबरपुर में और गढ़ी में। अभी हमें बाबरपुर जाना बाकी है। हमारा ये घर घर जनसंपर्क कार्यक्रम इस माध्यम से शुरू किया है कि राजाखेड़ा को विकास से जो पिछड़ा रखा गया है और जानबूझ के रखा गया है, हम इस पदयात्रा और घर घर संपर्क के माध्यम से हर गांव हर घर हर पंचायत जाके लोगों से चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि वो वंचित क्यों हैं विकास से, उनके अहम मुद्दे क्या हैं। और हम ये भी कहते हैं कि जो केंद्र सरकार है जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उनकी ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं। राम राम साहब, मैं अशोक शर्मा जी का लड़का हूँ। शुभ नाम मेरा दुष्यंत अशोक शर्मा है। जैसे आज बहन जी ने बताया आज हमारी 17वीं पंचायत है। हम देखो साहब हर पंचायत में लगभग 2 दिन दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं जुड़ रहे हैं, हर गली जा रहे हैं, हर पुराने लोगों से जाके संपर्क कर रहे हैं। फिर से कर रहे हैं तो लोगों से मिल रहे हैं, हर गली में जा रहे हैं, पूरे हर घर में लोगों से मिल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सब, हम कल से देवखेड़ा पंचायत में 9 बजे हमारा प्रचार शुरू हो जाता है। हमें पता चलता है 8 बजे से 1 बजे तक लाइट नहीं आ रही। लोग के यहाँ देखो सब इन्वर्टर सबके यहाँ तो होता नहीं। मैं देख रहा हूँ बच्चे हैं, माताएँ बहन जी घर में सबको परेशानी आ रही है, पंखे हिला रहे हैं हाथ से। क्यों इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, वो भी ऐसी गर्मी में? ठीक है, 1 बजे बिजली आती है, फिर 2:30 बजे बिजली जा रही है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कब आती है, दोबारा कह रहे बेटा कोई भरोसा ही नहीं कब जा रही है आ रही, हम तो परेशान हो गए हैं। इतनी है। दूसरी चीज़, देवखेड़ा पंचायत में जितने भी आप गांव में जाओ, अभी जैसे हम घड़ी में, अब जुनावत में। भाजपा का नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम कंचनपुर में आयोजित। कंचनपुर की प्रमुख खबर, आज ग्राम कंचनपुर में नहीं सहेगा राजस्थान के अंतर्गत कैंप लगाकर अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में धर्म सिंह चौधरी बाड़ी विधानसभा प्रभारी एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रशांत सिंह परमार, बाड़ी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी एवं लाखन सिंह खंडौरा ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि चौधरी ने कहा कि राजस्थान में आए दिन हो रहे महिलाओं पर अत्याचार, किसानों पर अत्याचार, किसानों से झूठे कर्ज माफी के वायदे, अधिक मात्रा में बिजली कटौती तथा पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर अब नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी 10 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित। धौलपुर की प्रमुख खबर, विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि जिले के सरमथुरा पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 5 फरवरी 2020 को
दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 4 फरवरी 2020 की देर रात को उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर के अंदर कमरे में सो रही थी। तभी आरोपी सलमान खान उसके कमरे में घुस आया। आरोपी सलमान ने पुत्री के हाथ पैर बांध कर और कपड़े से मुंह बंद कर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। कमरे से पुत्री की आवाज सुनकर उसकी मां जाग गई। पुत्री की आवाज सुनकर मां जब कमरे में पहुंची तो होश उड़ गए। इतने में ही आरोपी पीड़िता की मां को धक्का देकर वहां से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी 24 वर्षीय सलमान खान पुत्र मोहम्मद खान के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल और बयान दर्ज किए। पुलिस ने आरोपी सलमान खान को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। मुलजिम सलमान न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 14 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज मंगलवार को मुलजिम सलमान खान को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 में 10 वर्ष के कठोर कारावास और आईपीसी की धारा 450 में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 60,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। वर्ष 2020 में थाना सरमतरा पर दर्ज हुए बहुचर्चित प्रकरण संख्या 36/20 में आरोपी सलमान खान द्वारा घर में घुसकर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने आज दिनांक 25/7/2023 को सुनाई 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 60,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। सचिवालय घेराव के लिए 1 अगस्त को जयपुर पहुंचेंगे लाखों कार्यकर्ता। अशोक धाबाई धौलपुर की प्रमुख खबर। आज जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी धौलपुर पर विधानसभा के प्रभारी अशोक धाबाई द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में बोलते हुए धाबाई ने दिनांक 1 अगस्त 2023 को जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और बताया कि भाजपा द्वारा जयपुर सचिवालय का घेराव किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। वार्ता को संबोधित करते हुए श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि धौलपुर की 4 विधानसभा के प्रभारी एवं संयोजक से मंडल अध्यक्षों से जयपुर में अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता ले जाने के लिए विस्तृत चर्चा हो चुकी है। वार्ता में पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा एवं गिरीश गर्ग, जिला उपाध्यक्ष राजीव रस्तोगी, सुरेश कौशिक, कमल पहाड़िया, विधानसभा संयोजक जितेंद्र सिंह राजौरिया, नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के संयोजक हरिनिवास प्रधान, नेता प्रतिपक्ष कुकु शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, सोशल मीडिया प्रभारी ऋतिक वर्मा, आईटी प्रभारी हरिंद्र राव उपस्थित रहे। सभी पधारे हैं और आप सभी प्रेस वार्ता में पधारे, मैं आपका वंदन करता हूँ। नहीं सहेगा राजस्थान जो प्रेस वार्ता है उसको अगर अपन एक तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सभी आयामों पर विकास की ओर है, वहीं राजस्थान में गहलोत जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार काम कर रही है वो राजस्थान का विनाश करने के लिए आमादा है। आप ये देख सकते हैं कि सभी विधायकों को जिस तरह खुलेआम भ्रष्टाचार करने की उन्होंने छूट दे रखी है। अधिकारी हर विभाग में खुलेआम भ्रष्टाचार करने के लिए और बेलगाम है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। धौलपुर की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। आपके ध्यान में, आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ धौलपुर नगर परिषद में जिस तरह से खुलेआम नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर भाजपा की बैठक आयोजित। 1 अगस्त को जयपुर में होगा विशाल प्रदर्शन। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज कस्बा में भाजपा नेता विष्णु सिंघल के कार्यालय पर बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी धर्म सिंह चौधरी व जिला अध्यक्ष सरवन वर्मा, विधानसभा के संयोजक विजय त्यागी, प्रमुख कार्यकर्ता नहीं सहेगा राजस्थान के संयोजक और सह संयोजक ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें आगामी 1 अगस्त तक पार्टी द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ताओं से किया संवाद, जिसमें प्रमुख कार्यक्रम शक्ति केंद्र का प्रवास, विरोध रैली, मोटरसाइकिल रैली है। 1 अगस्त को जयपुर में होने वाले विशाल विरोध प्रदर्शन में जाने वालों की संख्या के बारे में
विधानसभा के संभावित प्रत्याशियों लाखन सिंह खिडोरा, प्रशांत सिंह परमार, पूरन सिंह प्रधान, रमेश कुशवा, रणवीर सिंह हप्पू, डॉक्टर गोपाल कुशवा आदि से जानकारी ली। बैठक में दिनेश बागथरिया, दशरथ सिंह परमार, नरेश यादव और दिनेश गुर्जर, मानवेंद्र सिंह परमार, संतोष शर्मा, जिला सह संयोजिका श्रीमती वंदना शिवहरे, महिला मोर्चा अध्यक्ष केशर कुशवा, शिप्रा गर्ग, रेणु कुशवा, रेणु सिंगल व कार्यकर्ता विद्याराम मीणा, रवि गुर्जर, नितिन शर्मा, गुरुदेव गुर्जर आदि से चर्चा की और उनको अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को ले जाने की जिम्मेदारियां दी गई। बजरंग दल के नवनियुक्त जिला सह संयोजक नरेश कुमार का हुआ स्वागत। धौलपुर की प्रमुख खबर, आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा नरेश कुमार को बजरंग दल जिला सह संयोजक का दायित्व मिलने पर स्वागत सत्कार मुरैना रोड पर सती वाले श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पर हुआ, जिसकी शुरुआत मंदिर महंत एवं बजरंग दल के जिला संयोजक मनोज सोनी एवं जिला अध्यक्ष द्वारा श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हनुमान चालीसा पाठ कर की गई। इसके पश्चात कार्यक्रम में पधारे विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल साथ में विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को सामूहिक भोजन प्रसादी ग्रहण कराई गई। इसके पश्चात जिला टोली पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा बजरंग दल के नवनियुक्त जिला सह संयोजक नरेश जी का फूल माला पहना कर पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान जिला टोली, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल साथ में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं भामाशाह उपस्थित रहे। मजबूत लोकतंत्र का निर्माण, सबकी भागीदारी, निर्वाचन अधिकारी अनिल अग्रवाल। स्कूलों के माध्यम से मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक, धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिले भर के विद्यालयों में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली, निबंध, रंगोली, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करवा कर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया निर्वाचन स्वीप प्रकोष्ठ सदस्य व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने महात्मा गांधी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ा हैदर शाह धौलपुर में प्रार्थना स्थल पर प्रधानाचार्य नरेश कुमार जैन एवं स्टाफ सदस्यों के सहयोग से विद्यार्थियों को निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं व वोट के महत्व से अवगत कराते हुए उनके प्रचार प्रसार का दायित्व निभाने एवं जन जागृति की अपील की। व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर से तैयारी जोर शोर से की जा रही है। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं आमजन को निष्पक्ष व निर्भीक मतदान की शपथ जिला कलेक्ट्रेट परिसर में दिलाई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य नरेश जैन, व्याख्याता भगवान सिंह मीना, लोकेंद्र श्रोतीय, निवेदिता शर्मा, वीना पाराशर, गीतांजलि शर्मा, इंद्रिया धन्नो कुरैशी, असलम खान, अनीता दुबे, विमलेश शर्मा, रीटा अंजलि, रमा हेमराज सहित अन्य उपस्थित रहे।
गांव मांगरोल में समस्त समाज के युवा शिव भक्त लाए डाक कावड़। मनिया मांगरोल की प्रमुख खबर। समाज सेवी अजय पचौरी के नेतृत्व में 30 सदस्यों की टोली में डाक कावड़ यात्रा का सौरव घाट गंगा जी से गंगा जल 11 घंटे में लाकर मांगरोल गांव में शिवजी का जलाभिषेक एवं माता रानी मंगला देवी का जलाभिषेक और उस मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं का गंगा जल से जलाभिषेक किया, जिसका स्वागत बजरंग दल के जिला संयोजक मनोज सोनी के नेतृत्व में फूल वर्षा करके किया गया। इस अवसर पर शिवराम कुशवाहा, योगेश शर्मा, कुश शर्मा, विजय कुशवाहा, निरंजन सिंह, रोहित राठौर, संतोष बघेल, मिथुन राजपूत, सोनू शर्मा मढ़ा, राजकुमार बैंक मित्र, विनोद राठौर, ऐदल सिंह, पिल्लू कुशवाहा, जीतू प्रजापत, मनोज राजपूत, कमल सिंह एवं समस्त मांगरोल युवा टोली उपस्थित रही। विज्ञान प्रायोजित प्रशिक्षण एवं ई कॉन्टैक्ट निर्माण कार्यशाला एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। धौलपुर की प्रमुख खबर। संभागियों एवं संस्थान के कार्मिकों द्वारा मतदाता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके सर्वप्रथम उपस्थित समस्त संभागियों एवं कार्मिकों को स्वीप कार्यक्रम के तहत निर्मित एक वीडियो मतदाता गीत दिखाया गया। इसके उपरांत प्रधानाचार्य महेश कुमार मंगल के द्वारा विचार विमर्श किया गया। अनिल शर्मा व्याख्याता ने स्वीप के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। इसी क्रम में गोपाल प्रसाद वरिष्ठ अध्यापक ने मतदाता की सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की। कार्यक्रम में उप प्रधानाचार्य डाइट डॉक्टर इंदु शेखर शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता नीरज मित्तल, पुष्पेंद्र कुमार, पंकज कुमार, अभय पाराशर, गौरव मीना, कृष्णा सिंह तथा विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आमंत्रित अध्यापक उपस्थित रहे।